ऑनलाइन उपस्थिति का शिक्षकों ने किया विरोध, खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। प्रयागराज ब्लॉक सैदाबाद के ब्लॉक संसाधन केंद्र सैदाबाद में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सोमवार को टैबलेट के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति तथा मध्याह्न भोजन की सूचना विभागीय अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन भेजने का दबाव बनाने के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ सैदाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में दर्जनों की संख्या में पहुँचे शिक्षकों द्वारा महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी सैदाबाद अखिलेश यादव को सौंपा गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि विभाग द्वारा केवल टैबलेट उपलब्ध कराया गया है, परंतु टैबलेट को सक्रिय करने हेतु सरकारी सिम कार्ड नहीं उपलब्ध कराया गया है, बल्कि अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत आईडी के माध्यम से सिम कार्ड खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। विभागीय अधिकारियों द्वारा सिर्फ शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद विभिन्न शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि यदि इस पर शासन ने विचार नहीं किया तो भविष्य में जिले व लखनऊ में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सैदाबाद ब्लॉक के कोषाध्यक्ष अनंत बहादुर सिंह एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी टीएन पांडेय, प्रदीप पांडेय, पवन वाजपेयी, राजेश सिंह, सलीमुद्दीन, सुरेश तिवारी, दयाशंकर गुप्ता, सिद्धार्थ द्विवेदी, रंजना राय, दीपा शर्मा, इंद्रजीत गुप्त, कमल पांड्या, शैलजा झा, सोनिका यादव, अंजू देवी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। खबर जगत के लिए प्रयागराज से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट।